भीलवाड़ा राजस्थान से श्री राम भक्त हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, जो कि एक समूचे शिलाखंड में शिल्पकारों द्वारा बनाई गई प्रतिमा है, जिसकी लंबाई 28 फुट और चौड़ाई 12 फुट और वजन 64 टन बताया जा रहा है। मूर्ति को बड़े टेलर से लेकर प्रयागराज संगम तट पर त्रिवेणी, जिसमें गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र जल से स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं, जो सिकंदराबाद से जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, झांसी, कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज से वापस भीलवाड़ा संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा पाठ के पश्चात हनुमान जी मंदिर में विराजमान हो गए। महंत श्री महेंद्र बाबू गिरी महाराज जी ने बताया कि इस मूर्ति का निर्माण सिकंदरा राजस्थान में हुआ है। इस मूर्ति को बनाने में लगभग 40 लाख रुपए की लागत लगी और सबसे मुख्य बात कि यह मूर्ति एक ही परत पत्थर पर बनी है। इस तरह का पत्थर मिलना बहुत मुश्किल होता है और जिसमें हजारों भक्तों ने यथाशक्ति सहयोग देकर मूर्ति बनवाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। नगर की सीमा पर सैकड़ों भक्तों ने इनका जोरदार स्वागत किया और नगर के मुख्य मार्ग जीटी रोड से होते हुए प्रयागराज के लिए जा रहे आज 19वें दिन फतेहपुर जनपद जोरदार जयकारों के साथ हनुमान चालीसा पढ़कर पूजा की हनुमान जी को, जिसमें खागा नगर वासियों ने मूर्ति के दर्शन कर प्रसाद वितरण किया। आइए सुनिए जुबानी श्री महेंद्र गिर बाबा की। एमपी यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। हम भीलवाड़ा से प्रयागराज ले जा रहे हैं हनुमान जी को स्नान कराने, और ये 28 फीट लंबी है, 12 फीट चौड़ी है, 64 टन वजन है, और हम एक महीने में जैसे 2100 किलोमीटर की यात्रा है आना जाना मिला के हमारा। ये आप कहाँ कहाँ भ्रमण करके कहाँ स्थापित करवाएंगे? हम भीलवाड़ा जैसा उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, शिवपुरी, झांसी होते हुए कानपुर होते हुए और इधर होते हुए हम लोग प्रयागराज जाएंगे। लागत में मूर्ति कंप्लीट हुई? ये 40 लाख रुपए की लागत से बनी है। ये कहाँ बन के तैयार हुई है? ये पत्थर पत्थर की जैसा एक ही पत्थर की एक ही शिला के ऊपर बनी हुई है। जी जी जी। इनका जो है कहाँ पे जो है निर्माण हुआ? इनका निर्माण सिकंदरा में हुआ था। इसके पीछे मान्यता क्या थी? मान्यता है कि एक ही शिला के ऊपर ही बना हुआ, इतना बड़ा पत्थर मिलता नहीं है। जी जी। एक ही शिला के ऊपर बनी हुई है। ये आप लोगों के विचार में कैसा आया कि इतनी बड़ी मूर्त जो है? ये तो हनुमान जी खुद ही अब वही बनने वाले, हम क्या कर सकते हैं, अपने आप बन गए हनुमान जी। ये इसमें कितने लोगों का सहयोग होगा? बहुत सारे लोग, सब भक्तों का ही, हमारा क्या है, सब भक्तों का ही सहयोग। कहाँ से जो है दान करताओं के? सब हनुमान जी करने वाले, हम लोग के पास क्या है, सब हनुमान जी देने वाले हैं, उन्हीं का सब कुछ है, सब भक्तों का दिया हुआ है। ये कितने दिन का टूर है? ये टूर जैसे एक महीने का हम लोग का है, जैसे आज 19 दिन हो गए हम लोग को।
आपका शुभ परिचय? मेरा नाम महंत बाबू गिरी जी महाराज, संकट मोचन हनुमान मंदिर भीलवाड़ा।